हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने फेस के जो भी दाग धब्बे हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, एक्ने से हुए स्कार्स जो होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि आप एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, और जहाँ पर एक्ने पिंपल हैं वहाँ दाग धब्बे हो ही जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दाग धब्बों के लिए क्या करें। स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे, वो इसलिए होते हैं कि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं पिंपल के लिए, एक्ने को दूर करने के लिए, तो उस टाइम पे आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं, और सन एक्सपोज़र के कारण आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जो भी पिंपल्स हैं वो डार्क ब्राउन या रेड कलर के हो जाते हैं। दूसरा, जब भी क्रीम वगैरह हम कुछ यूज़ करते ही हैं पिंपल के ट्रीटमेंट के लिए, तो ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस को हम खुद ही ऐसे पील कर करके निकालते हैं, उनको खुद ही पील नहीं होने देते हैं, स्क्रैच कर करके निकालते हैं, जिससे कि दाग धब्बे हो जाते हैं, रेड दाग हो जाते हैं, ब्लैक दाग हो जाते हैं। तीसरा, पस वाले जो पिंपल्स होते हैं, तो जब भी होते हैं उनमें ईचिंग होती है, या फिर किसी ना किसी कारण से उनको दबा देते हैं और उनकी पस निकालने लगते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं और दाग हो जाते हैं। और जब आप पॉप करते हो ना पिंपल को, उससे जो दाग होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जिद्दी दाग हो जाते हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दाग धब्बे होते हैं वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि पिंपल को अगर आप अपने आप ट्रीट होने देंगे ना तो दाग नहीं छोड़ता है, और अगर वो दाग छोड़ेगा भी तो बड़ा लाइट ब्राउन कलर का दाग होगा जो कि ईजिली चला जाता है, उसको जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मुझे जब भी दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, डल स्किन हो जाती है, तो मैं कोई मेडिसिन वगैरह जो है मेडिकेटेड क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई क्रीम नहीं मिली। मैंने यूज़ की हैं, पर कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनको आप लगाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर थोड़े दिन बाद ना आपकी स्किन दो टोन, एक दो टोन डार्क हो जाती है। तो मुझे अगर कोई ऐसी मेडिकेटेड क्रीम मिलती है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी, पर मतलब मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ वो ये है गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल, जो कि दाग धब्बों पे बहुत अच्छा काम करता है। जो लाइट ब्राउन दाग होते हैं ना उनको तो बहुत जल्दी ही दूर कर देता है, और जो काले स्पॉट्स होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं, उनको जाने में बहुत टाइम लगता है। पिंपल ठीक होने में 4-5 दिन लगते हैं, पर उसके दाग धब्बे अगर हो गए, आपने छेड़खानी की और उसके दाग धब्बे हो गए, तो उनको जाने में महीनों लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, आप अपने नेल्स कट कर लीजिए, क्योंकि नेल्स रहेंगे तो आप बार बार उसको स्क्रैच करोगे, तो नेल्स कट कर लो, और कोशिश करो कितनी भी ईचिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उन पे आप हाथ ना लगाओ, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा कारण है आपके पिंपल बढ़ाने का और दाग धब्बे करने का। तो ये जो जेल है, ये मैं कहूँगी गुड वाइब्स की सबसे इफ़ेक्टिव जेल है, जो कि दाग धब्बों को इतने अच्छे से ट्रीट करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, पिगमेंटेशन हो, सनबर्न है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी आपको, और अभी ठंड का टाइम है तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो जेल है ये ऑर्गेनिक चीज़ों से नहीं बनी हुई है, 100% ऑर्गेनिक नहीं है, पर इसमें जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं वो स्किन के लिए सेफ हैं और सच में काम करते हैं। इसके आप रिव्यू चेक करेंगे पर्पल पे जाके, अमेजन पे जाके, इतने अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, और इसके रिव्यूज़ देख के ही मैंने इसको परचेज़ किया था। पर इसको ख़रीदे, इसको तो अभी मैंने परचेज़ किया है, पर मैं ऑलरेडी 2-3 बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ, इतना अच्छा है। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है,
तीन साइज़ में अवेलेबल है। इसका मीडियम साइज़ है और 100 ग्राम का पैक है। काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, पर्पल पे अमेजन पे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ऑरेंज एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, इसलिए स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है, ऑयल फ्री बनाता है स्किन को। तो वैसे तो सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, पर ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जो जेल है ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, सनबर्न का प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल, ये सारी चीज़ों को दूर करता है। ये जेल सिर्फ आप अपने स्किन पे ही नहीं, बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल। इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी माइल्ड है, ऑरेंज फ्रेग्रेंस है और ऑरेंज कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और ऑयल फ्री है। आप स्किन पे लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया है, अच्छे से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो जेल है ये आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं दिन में, रात में। दिन में यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए, ये सनस्क्रीन का काम नहीं करेगा। रात में यूज़ करते हैं, ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके फेस पे कोई भी पिंपल्स नहीं है तो आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, और ये पिंपल को ठीक तो करता है, पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होंगे तब उस पर काम नहीं करेगा। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, और फिर आपके पिंपल के साइज़ को भी रिड्यूस करेगा। पर अगर आप कोई अलग से ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, तब आप इसको ऑल्टरनेट पे डेज पे लगाना शुरू कर दीजिए। और क्योंकि आप कोई क्रीम लगा रहे हो, एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाएगा। विंटर्स है तो आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसे में इसको यूज़ कर सकते हैं, पिंपल भी ठीक होंगे, दाग धब्बे भी दूर होंगे। एक और बात, रेटिनो ए है वो भी दाग धब्बों को दूर करने में काफ़ी इफेक्टिव है। पिंपल को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ दाग धब्बे भी नहीं रहते उसको यूज़ करने के बाद। तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तब आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए, तो आपके स्किन पे कोई भी दाग धब्बे नहीं होंगे। बस स्किन ड्राई होती है तो उसको स्क्रैच मत करो, उसको पील होने दो, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लो। जब स्किन ड्राई हो रही है, एक्सफोलिएट हो रही है, तो अलग से उस स्क्रब करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो अपनी स्किन पे, जिससे कि जो भी ड्राई स्किन है, जो भी स्किन एक्सफोलिएट हो रही है, वो अपने आप रिमूव हो जाएगी और आपकी एक अच्छी स्किन आ जाएगी, और आपकी जो न्यू स्किन होगी एक्सफोलिएशन के बाद काफ़ी क्लियर रहेगी और ग्लोइंग। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।